टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन के एक प्रमुख डेस्टिनेशन इंडिया आईटीएमई सोसाइटी की पेशकश इंडिया आईटीएमई 2022 फिर लौट आया है। इसका लेटेस्ट संस्करण प्रदर्शकों, विजिटर्स और छात्रों के लिए विशेष रूप से कई अनूठी और दिलचस्प गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह मेगा इवेंट IEML ग्रेटर नोएडा भारत में 8 से 13 दिसंबर तक आयोजित होगा, जिसकी आधिकारिक शुरुआत आज हुई है। इंडिया आईटीएमई सोसाइटी के अध्यक्ष एस हरिशंकर ने कहा, इंडिया आईटीएमई 2022 का आज पहला दिन है और हमें इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी देखकर बहुत खुश और उत्साहित हैं। हमें उम्मीद है कि आज बड़ी संख्या में विजिटर आएंगे। यह वाकई में हमारे लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि हमारा मानना है कि यह एक्सपो भारतीय टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक ऊंची छलांग है। वाकई में इस तरह का मेगा इवेंट आयोजित कर पाना एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हमें आज तक जिस बात ने प्रेरित किया है वह हमारा मिशन और विजन, जिसके तहत हम भविष्य की संभावनाओं और समाधानों को एक साथ एक छत के नीचे लाना चाहते हैं। इंडिया आईटीएमई जमीनी स्तर पर मेक इन इंडिया में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इंडिया आईटीएमई एक बिजनेस इवेंट है, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग, ट्रेड प्रमोशन विभाग और रिसर्च संस्थानों के 22 चैप्टर की प्रतिनिधि एक साथ नेटवर्क बनाने, नई संभावनाओं को तलाशने और आपस में मेलजोल बढ़ाने आते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंच है जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सभी प्रमुख कंपनियां, साथ ही वित्तीय संस्थान, बड़े फैसले लेने वाले और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिससे यह ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रभावी और पेशेवर ढंग से लॉन्च करने के लिए सबसे बड़ा और उपयुक्त स्थान बनाते हैं। इंडिया इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी एग्जीबिशन जो हमने किया हुआ है, ये 8 तारीख से हमने चालू किया हुआ है और ये 13 तारीख तक चलने वाला है। यहाँ पर टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग के लिए सभी मशीनरी जो है दिखाई गई है और ये सब मशीनरी की लाइव डेमोंस्ट्रेशन दी जा रही है। ये हमारे यहाँ ये 11वां प्रयोग है। ये हमने 1980 से कर रहे हैं, ये एग्जीबिशन हर 4 साल कर रहे हैं। ये एग्जीबिशन हमारा यहाँ पर जो है सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और अपनी इंडस्ट्री को क्या नया चल रहा है मार्केट में, क्या नई मशीनरी लग रही है, क्या नई टेक्नोलॉजी हो रही है, उसको दिखाने का कोशिश है। हम ये यहाँ पर ये आए हुए हैं कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो सबसे बड़ी औद्योगिक इंडस्ट्री है, आज भी अपने एक्सपोर्ट में 15% एक्सपोर्ट अपना टेक्सटाइल का है, तो ये हम अपना और आगे बढ़ के चले। गवर्नमेंट का एहसास है कि 2030 तक अपना कपड़ा उद्योग $100 बिलियन एक्सपोर्ट करे, तो उसमें ये हमारा प्रयत्न है कि हम भी अपना भारत को आत्मनिर्भर बनाएं।